आज आरबीआई ने यूपीआई 123 पे को लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते आप अपने कीपैड मोबाइल से भी यूपीआई के द्वारा किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या फिर आप घर पे हो और आपका फोन, या फिर आपने किसी वजह से अपनी सिम को कीपैड मोबाइल में डाल के रखा है और आप यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हो पर आपके पास टच फोन तो है नहीं इस समय, तो आप इसके चलते हुए यूपीआई एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। तीसरा बड़ा फायदा ये है, अगर आपका नेट ऑन नहीं है तो आप तब भी अपनी यूपीआई एप्लीकेशन को बिना ओपन करे अपने सिर्फ डायल पैड को खोलकर जहाँ से आप नंबर टाइप करते हो वहाँ से भी आप किसी को भी मनी सेंड कर सकते हो या फिर अपना यूपीआई पिन चेंज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डायल पैड को ओपन कर लेना है, आपको बगल में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जैसे कि, तो आपको सबसे पहले डायल पैड को आपने ओपन कर लिया फोन के, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है *99#, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर टाइप करा हुआ है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और कॉल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे आपके सामने एक रैंडम सा मैसेज शो होगा थैंक यू का, आप ओके कर दीजिए। ओके आप जैसे करोगे उसको, उसके बाद आपको कम से कम 5-6 सेकंड वेट करना है, आपके सामने एक विंडो खोल कर आ जाएगी जहाँ आपको 7 पॉइंट दिए रहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट होगा सेंड मनी का, ऐसे लाइन वाइज पॉइंट दिए होंगे, इसमें चेक बैलेंस का पॉइंट भी होगा और यूपीआई पिन चेंज करने का पॉइंट होगा। आप जिस तरह अपने कीपैड फोन में पहले आप लोन मांगते थे, या फिर लोन तो आप सबने मांगा ही होगा ना जब कीपैड फोन यूज करते थे, तो अगर नहीं मांगा है तब भी मैं आपको एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको वन, जहाँ नंबर वन पे जैसे यहाँ पर डाला है सेंड मनी का, तो आपको वन डालना है, ओके कर देना है। आपके सामने अब तीन ऑप्शन और खुल के जाएंगे कि आपको बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है तो IFSC कोड अकाउंट नंबर डाल के करना है, या उसके मोबाइल नंबर पर, या फिर UPI ID पर। तो आप इसमें से कोई भी उसका नंबर चूज कर लीजिए, जैसे नंबर चूज करोगे उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा डालने का, उसके बाद आप सेंड कर सकते हो, उसको आप भेजोगे उसके बाद मनी सेंड हो जाएगी। और उसके बाद उसी तरह आप यहाँ पर 7 नंबर पर है UPI का, आप UPI पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना UPI पिन भी चेंज कर सकते हो बिना नेट को ओपन किए या किसी और एप्लीकेशन में UPI एप्लीकेशन को यूज़ करे हुए। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी ऑप्शंस कई सारे दिए हैं, तो आप अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी यहाँ से चेक कर सकते हो बिना पासबुक या नेट बैंकिंग का स्टेटमेंट निकाले हुए। यहाँ बहुत सारे फीचर्स दिए हैं ये 123 पे का, तो आप यूज़ कर सकते हो। पर जो ये फैसिलिटी है सिर्फ एयरटेल, VI और BSNL यूजर्स के लिए है, अभी LTE सिम के लिए नहीं है, मतलब कि जियो सिम के लिए नहीं है, अभी ये सिर्फ GPRS सिम्स यानी कि एयरटेल, BSNL, VI और ऐसी सिम्स के लिए जिसमें GPRS है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो नया जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं हूँ आपका दोस्त सजैन, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज से फॉलो कर लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई परेशानी हो जाओ नीचे वर्णन मत भूलिए, तब तक के लिए जय हिंद।